IVM. स्माइल इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट शिफा माइत्रा। इस पॉडकास्ट में आपके लिए लाई हूँ सच्ची अच्छी खबरें देश के हर कोने से। पहला समाचार है छत्तीसगढ़ से। यहाँ कुछ दिन पहले दुर्ग में ये घटना घटी। लॉकडाउन के चलते यहाँ भी हर जगह लोग सब्जी बेच खरीद नहीं सकते थे, पर एक रोज पुलिस वालों ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बीच सड़क में बैठे सब्जी बेच रही थी। उसे उठने को कहा तो वो अड़ गई। इतने में कलेक्टर वहां से गुजरे तो उन्होंने प्यार से माई से पूछा, सारी सब्जी कितने की है? पैसे दिए, सब्जी गाड़ी में रखवाई और सब हंसी खुशी घर चले गए। अब बड़े दिल वाले कलेक्टर आजकल दुआएं कलेक्ट कर रहे हैं। अब इन साहिबा का किस्सा सुनो। श्रीनगर से जन्नत में रहने वाली इस 7 साल की बच्ची का नाम ही जन्नत है। उसे दल लेक जाना बहुत अच्छा लगता था, पर जब उसने देखा कि झील कितनी गंदी हो रही है, उसने कुछ करना चाहा। अपने पापा से कहा, चलो लेक साफ करते हैं। वो मान गए और लगातार बाप बेटी सफाई करने लगे। फिर जन्नत ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिससे और लोग भी साथ आए और सफाई अभियान आगे बढ़ा। बच्ची बहुत खुश है और चाहती है कि दल लेक दोबारा सुंदर हो जाए। लॉकडाउन से पहले जन्नत के कहने पे सरकारी कर्मचारी भी लगातार नजर आते थे झील साफ करते हुए। अब जन्नत की इस मुहिम को हैदराबाद के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। अपने शहर का ध्यान रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, जिसकी मिसाल है जन्नत। अगली खबर है हैदराबाद से, जहां रहते हैं मोहम्मद नूरुद्दीन। ये 50 साल के सज्जन गार्ड की नौकरी करते हैं और साथ ही 10वीं का एग्जाम देते हैं। इनकी अंग्रेजी कमजोर है तो हर साल उसी की वजह से फेल हो जाते हैं। 33 बार, जी हाँ 33 बार परीक्षा दे चुके हैं और नाकामयाब रहे। उनके लिए 10वीं पास होने का सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे उन्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। घर वाले भी कहते हैं कि हर बार फीस भरते हो और पैसे जाया हो जाते हैं, पर नूरुद्दीन लगा रहा। इस बार भी फीस दी और पास हो गए। क्योंकि कोविड के कारण तेलंगाना सरकार ने सभी 10वीं के स्टूडेंट्स को पास कर दिया बिना एग्जाम के। चलो नूरुद्दीन को तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब बस दुनिया को वैक्सीन मिल जाए तो सबकी बात बन जाए। और अब सुनो कैसे एक संस्था ने हाल ही में धूमधाम से मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, मैं भी वहां मौजूद थी, बहुत मजा आया। जी नहीं, कोई नियम नहीं तोड़ा गया, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी ऑनलाइन हुई। वैग टेल्स एक संस्था है जो बच्चों के साथ काम करती है, उन्हें इज्जत देती है। यहाँ बच्चे आकर कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, नाटक रचते हैं और अपने साथ हर बार कुछ सपने, कई खुशियां लेकर लौटते हैं। पहले ये सब एक जगह मिलते थे, पर फिर लॉकडाउन के कारण आजकल सब कुछ जूम कॉल्स पे होता है। इन कॉल्स पे बहुत से बच्चे आते हैं और कोविड योद्धाओं के बच्चों के लिए फीस माफ होती है। वैगटेल्स में सब धर्मों के त्योहार मनाते हैं। इस बार मिल नहीं सके, पर कृष्ण जी का जन्म तो मनाना था, तो 3 से 5 साल के बच्चों ने घर बैठे फोन के द्वारा मोर पंख बनाना सीखा। सब ने गाने गाए और कहानियां सुनी, श्री कृष्ण की कहानियां एक नए अंदाज में, बिना कोई पैसे खर्च किए। बच्चों और बड़ों ने इतनी मनोरंजक शाम बिताई कि मुझे तो लगा कि हाँ भाई, बिना बाहर जाए भी त्योहार मनाए जा सकते हैं। वैसे हमारी एक और परंपरा बहुत अच्छी है, जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। जब भी मेरी दादी कहीं बाहर जाती थी तो हमेशा कहती थी, अभी लौट कर आती हूँ। कभी नहीं कि मैं जा रही हूँ, कहती थी कि आ रही हूँ से सुनने वाले की भी उम्मीद बंधी रहती है। मराठी में भी कहते हैं ये तो, मतलब मैं आता हूँ, और बंगाली में आश्ची, जिसका भी वही मतलब है। तो आप भी अगली बार बाहर जाते समय कुछ प्यारा कहकर निकले। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूले IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या IVMpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVMpodcast हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. So it's been a really, really fun week this week. We've had a great episode with Anand Neelakantan on Cyrus Says. Anand was one of the writers of Bahubali, and it's done some really, really fun stuff since that. Ashish Vidyarthi also had a really good episode on his show, Begin the Journey. Please do check that out. You do know Yuddha is back, right? Definitely check it out if you haven't. Yuddha is our show about Indian ancient warfare. It's hosted by Anirudh Kanisetty and Aditya Ramnathan.
Really, really great show. You should check that out for sure. And oh yeah, I forgot, Rishi K was on the network as well. He was on Absolutely Right with Aditi Sarana. Do definitely check that out. With that, hope to see you next week. Namaskar, dear Bandhu. My name is Ashish Vidyarthi. These are truly challenging times, and in these times, we need hope. Do take time to listen to my podcast, Begin the Journey. Available on IVM Podcasts, website, app, or wherever you listen to podcasts. Remember, there is hope, because there's one life and we are alive.